there was a survey we recently did, जिसमें हमने काफी सारे यूथ से बात की थी जो सपोर्टर्स थे पीटीआई के और पॉलिटिकल पार्टीज के भी सपोर्टर्स हैं. बट स्पेसिफिक पीटीआई सपोर्टर्स वर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बॉयकॉट द इलेक्शंस दिस टाइम अराउंड, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी वोट की कोई हैसियत नहीं है. तो अब उन लोगों का इलेक्शन से ईमान उठ गया है और उनको लगता है मैं भी आपके ही पॉडकास्ट चैनल से और हर चैनल से एक अपील अपने तमाम यूथ से कर रहे हैं और अपने तमाम वोटर से कर रहे हैं, इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना. आपने वोट डालना है, पीटीआई के लोगों के लिए वोट डालना है. हमने बहुत सारी एप्स बना ली हैं. इन्हीं ने कहा कि आप इमरान खान की तस्वीर नहीं छाप सकते अपने पैम्फलेट पे, तो हमने कैदी नंबर 804 इमरान खान का जो प्रिजनर नंबर है, हम कह दें कैदी नंबर 804 के हमायत याफ्ता. अब तो तस्वीर नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कैदी नंबर 804 कौन है. और उस आदमी का निशान जो है वो हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगा रहे हैं इन्फॉर्मेशन. हर कैंडिडेट को एक क्यूआर कोड भी दे रहे हैं. वो क्यूआर कोड वो अपनी हर पब्लिसिटी मटेरियल पे लगाएगा, जहाँ से उसका सर्टिफिकेट पता चल जाएगा कि ये पीटीआई का ऑफिशियल कैंडिडेट है. जो आदमी उस क्यूआर कोड को एक स्कैन करेगा, हम अपने रिंग फेंस करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को, कि जिधर भी जो एडवर्टाइजिंग हो रही है किसी सोशल मीडिया पे रिंग फेंस किया हुआ होगा. अगर आप जैसे बैठे हुए KDA स्कीम नंबर 1 कराची में, आपने इस इलाके में जैसे ही अपना फेसबुक का खोलेंगे तो आपको इस इलाके से जो आपका कैंडिडेट है उसकी तस्वीर भी आ जाएगी, उसका सिंबल भी आ जाएगा और उसका प्रमोशनल मटेरियल भी चलेगा. हमने टेलीफोन्स के ऊपर स्क्रीन सेवर्स बना दिए. जब आप किसी इलाके में अपने फ़ोन को ऑन करेंगे या इलाके में जाएंगे तो फौरन ही उसी इलाके में जैसे ही आप पहला नंबर डायल करेंगे, आप किसी टावर पे आएंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन पे आ जाएगा कि इस इलाके का पीटीआई का कैंडिडेट ये है. हम इंशाल्लाह 20 दिन में लोगों को ये रटवा देंगे कि उनके इलाके से कौन पीटीआई का कैंडिडेट है.